बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है और इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भव्य तरीके से स्वागत किया। तो वहीं विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जनता को संबोधन किया और इस दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, यह लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। इस बीच केंद्र द्वारा दिल्ली में लाए गए नए अध्यादेश को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की शर्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। मुझे मालूम है, शायद वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं निकलता, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे। अब एक तरफ जहां विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने विपक्षी पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त किया है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को यह संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है। आपको बता दें कि बिहार में आज होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है और राज्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक को परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन बताते हुए पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है और जगह जगह पोस्टर्स रिलीज कर दिए गए हैं।